स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों ये जो गेम हमारी बन रही है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई है, तो आई होप कि आप लोगों को कोई एरर नहीं आई होगी। और जिन जिन लोगों को एरर आई थी उन लोगों ने मुझे मैसेज किया था मेरे इंस्टा पे और मुझे मेल भी किया था, तो मैंने उन लोगों की मदद कर दी है। तो उसके अलावा अगर आप लोगों को भी कोई एरर आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कॉपी पेस्ट ना करें, सिर्फ समझिए आप मैं जो गेम बना रहा हूँ, जिस फंक्शन का इस्तेमाल मैं यहाँ पे बॉल फायर करने के लिए कर रहा हूँ उसी फंक्शन का इस्तेमाल करके आप बुलेट फायर भी कर सकते हो और कैनन फायर भी कर सकते हो, तो उस तरीके से आप कुछ अलग भी बना सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए गेम को हम आगे बढ़ाते हैं। विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ जाइए दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हमने क्या किया। जैसे लेवल कंप्लीट होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन के अंदर ये सब कुछ सेट हो जाने के बाद एक इन्वोक होगा फंक्शन, वो होगा ये वाला। तो ये मैसेज जैसे ही आपके सामने आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे कोरूटीन स्टार्ट करवाया था जिसके अंदर हम डायमंड को प्लस करवा रहे और एनिमेट करवा रहे हैं। तो इसको यहाँ पे हम छोड़ देते और इसी का एक डुप्लीकेट हम बना लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से इतना कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो था डायमंड के लिए था, अब जो है वो टाइम के लिए होगा, रिमेन टाइम। अब यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये हमने बनाया नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर आई नंबरेटर करेंगे और उसके बाद में स्पेस और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ब्रैकेट करके इसको यहाँ से और भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके साथ भी हम यहाँ पर एक इंटीजर भेज रहे हैं, ठीक है, तो वही इंटीजर हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर और इस बार मैं लिखूंगा रिमेन टाइम। तो सबसे पहले तो हम ये वाले जो टेक्स्ट है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यूआई कैनवास और उसके अंदर विन पैनल को फिलहाल मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना यू वॉन्ट 8 डायमंड्स, उसको मैं चेंज करवाना है। यू वन और डायमंड्स तो ऐसे ही रहेगा, ये 8 है उसकी जगह पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है या 15 हो सकता है, तो उसको हम चेंज करवाएंगे यहाँ से। तो यहां पे हम लिखेंगे यू वॉन्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, डबल कोट में आपको लिखना है यू वॉन और उसके बाद में प्लस की साइन और उसके बाद में अंडरस्कोर रिमेन टाइम, उसके बाद में प्लस की साइन और डबल कोट में यहां पे लिखना है डायमंड्स और इसको कर देते ओवर। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये यहाँ पर इंटीजर हमने लिया है तो इसके पीछे तो हमने टू स्ट्रिंग किया ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि हमने यहाँ पे पहले से ही एक स्ट्रिंग लिया है और इसके अंदर हमने इंटीजर को पेस्ट किया है, तो इसको इंटीजर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक रिटर्न दे देते क्योंकि इसको परेशानी हो रही है, तो आपको रिटर्न देना तो अब आ ही गया होगा, यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स और हमें 1 सेकंड का इंतज़ार करवाना है इसको, तो यहाँ पे 1F लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हमें फोर लूप का इस्तेमाल करना है लेकिन फोर लूप हमें उल्टा घुमाना है, तो आपको 4 लिखना है उसके बाद में 2 बार टैब करना है। अब यहाँ पे क्या है कि आई इज इक्वल टू 0 है और जो लेंथ है उससे छोटा होना चाहिए और आई प्लस प्लस हो रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ इसको उल्टा करें, जैसे कि 10, 9, 8, 7 उस तरीके से रिवर्स में ये चलना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे i इज इक्वल टू अंडरस्कोर रिमेन टाइम कर देता हूँ और इसको मैं उल्टी साइन कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 0 और यहाँ पे कर देता हूँ इज इक्वल टू, यानी कि i जब तक 0 हो जाएगा तब तक या 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये लूप घूमता रहेगा। मतलब i मान लीजिए इस वक्त जो रिमेन टाइम है, यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ, चलिए जो रिमेन टाइम है अंडरस्कोर रिमेन टाइम इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि i इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, फिर i माइनस माइनस हम करवाएंगे, जैसे प्लस प्लस हम करवाते हैं उसी तरीके से माइनस माइनस करवाएंगे,
तो उसके बाद में 9 होगा, उसके बाद में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और जब वो 0 हो जाएगा तो ये लूप घूमना बंद कर देगा। अब इस लूप के अंदर हमें क्या करवाना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें डायमंड इंस्टेंशिएट करवाने हैं जो उड़ के जाएंगे टैक्स से लेकर डायमंड तक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा पहले, तो गेम ऑब्जेक्ट और उसका नाम मैं दूंगा टेम्प डायमंड इज इक्वल टू। अब आप सबको मालूम है कि इंस्टेंशिएट किस तरीके से करवाते हैं, तो आपको लिखना है इंस्टेंशिएट और ब्रैकेट के अंदर जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको इंस्टेंशिएट करवाना है उसका नाम पहले सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही एक गेम ऑब्जेक्ट लेके रखा था, आपको मालूम होगा, ये देखिए विन पैनल के अंदर, और उसका नाम हमने दिया था एनिम डायमंड। तो उसको मुझे इंस्टेंशिएट करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एनिम डायमंड, उसके बाद में कोमा करेंगे और जिस जगह पे उसको इंस्टेंशिएट करवाना है उस जगह का नाम भी हमें या एड्रेस हमें उसको देना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, उसके बाद में कोमा। अब उसका रोटेशन हमें बताना है, तो रोटेशन हमें कोई करवाना नहीं है, तो हम कोटनियन डॉट आइडेंटिटी सीधा कर देते हैं। अब इसके पीछे आप एज ए गेम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, और अगर ना चाहे तो नहीं लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही उसको बता दिया है कि ये जो है वो गेम ऑब्जेक्ट है। अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम करेंगे टेम्प डायमंड और उसकी पोजीशन हम सेट करवाते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू। अब इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, जहाँ से वो स्टार्ट करेगा, ये ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, जहाँ से वो स्टार्ट करेगा यानी कि एनिम जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है वो उसकी पोजीशन पहले होनी चाहिए, और बाद में उसकी पोजीशन ये वाली एंड वाली होनी चाहिए। तो फिलहाल हमें यहाँ पे स्टार्ट वाली पोजीशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एनिम डायमंड स्टार्ट, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है एनिम डायमंड स्टार्ट, और सिंपली उसके पीछे लिख देना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। तो सबसे पहले उसकी पोजिशन ये हो गई है। अब एक और यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि टेम्प डायमंड हमने लिया है। अब दोस्तों आपको मैंने एक जो है वो स्क्रिप्ट बनवाई थी, आपको याद होगा, यहाँ पर ये जो एनिम डायमंड है वो स्क्रिप्ट हमने बनाई थी और इसके अंदर हमने उसको स्टोर करवाया था। तो अब बारी आती है इसकी, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म चाहिए, पब्लिक ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, पब्लिक ट्रांसफॉर्म, और उसको नाम मैं देता हूँ टारगेट। और यहाँ पर मुझे एक वेक्टर 3 चाहिए जिसको मैं एंड पॉइंट कहूँगा, एंड पॉइंट। एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और उसको एंड पॉइंट गेम ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं। अब मैंने आपको लीन ट्वीन का इस्तेमाल करना सिखाया था सबसे पहले ही, अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह जो एंड पॉइंट है उसको हम पोजीशन देंगे, तो हम क्या करेंगे टारगेट डॉट पोजीशन, ये एंड पॉइंट की हमने पोजीशन दे दी है वेक्टर 3 के लिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है लीन ट्वीन डॉट मूव। अब किसको मूव करवाना है, तो हमें गेम ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो यहाँ पे हम गेम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसको अपनी पोजीशन से कौन सी पोजीशन पर उसे मूव करवा के ले जाना है, तो हमें एंड पॉइंट पे उसको ले जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड पॉइंट। अब वो ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितनी सेकंड में वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 1F कर देता हूँ या फिर 2F कर देता हूँ, तो वो 2 सेकंड में वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये हो गया लीन ट्वीन का कोड के इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब हम उसे बताएंगे कि उसकी जो स्टाइल रहेगी वो क्या रहेगी, तो स्टाइल के लिए आपको यहाँ से करना है डॉट और यहाँ पे कर देते हैं सेट इजी। अब उसके अंदर ब्रैकेट में हमें बताना है कि लीन ट्वीन जो टाइम टाइप है वो क्या होना चाहिए, तो लीन ट्वीन टाइप डॉट इजी इन सर्कल, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। आपको मैंने ये पहले भी बताया कि इसके अंदर क्या क्या एनिमेशन हो सकता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके के एनिमेशन किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो चलिए इसको मैं यहाँ पे फिलहाल सेव कर लेता हूँ और वापस चलते हैं गेम मैनेजर के अंदर। तो गेम मैनेजर के अंदर ये जो एनिम डायमंड है ये क्लास हमें कॉल करवाना है,
तो किस तरीके से कॉल करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहले तो एनिम डायमंड, ये क्लास हो गया। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एनिम डायमंड। अब इज इक्वल टू टेम्प डायमंड जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, डॉट गेट कंपोनेंट, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, एनिम डायमंड। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए कि ये एक्चुअली है क्या। ये जो टेम्प डायमंड है वो एक गेम ऑब्जेक्ट हमने बनाया है जो हम इंस्टेंशिएट यहां पे करवा रहे हैं। तो टेम्प डायमंड के अंदर हमने ये वाली स्क्रिप्ट तो यहां पे लगा के ही रखी है, ये रही। तो इसी स्क्रिप्ट को हमें कॉल करवाना है, तो कॉल करवाने के लिए पहले तो हमें एक गेम ऑब्जेक्ट चाहिए। गेम ऑब्जेक्ट के अंदर से हम उसको गेट करवा सकते हैं। तो यहां पे मैंने उस क्लास का नाम लिखा है, क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, और ये जो है उस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर से हम गेट कंपोनेंट करवा रहे हैं और उसके अंदर से ये वाला क्लास हम गेट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एरर आ रही होगी क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिक्लेयर करके रखा है, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते, इसका नाम हमें अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू लिख देता हूँ, न्यू एनिम डायमंड कर देते हैं, तो ये एरर यहाँ से चली जाएगी। तो ये क्लास है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने गेट करवा लिया यहाँ से। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो फंक्शन है उसको हम कॉल करवा सकते हैं या इसको हम एक्सेस करवा सकते हैं। ये जो गेम ऑब्जेक्ट है पब्लिक यहाँ पे दिया हुआ है या ट्रांसफॉर्म है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले हमें उसका जो पेरेंट है वो सेट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू एनिम डायमंड डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट सेट पेरेंट। अब सेट पेरेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जो हमने स्टार्ट पॉइंट दिया था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एनिम डायमंड डॉट स्टार्ट पॉइंट डॉट ट्रांसफॉर्म। तो ये इसका पेरेंट हो गया। अब जो ये है वो इसके अंदर एज ए चाइल्ड डिक्लेयर होगा। अब ये जो टारगेट है वो हमें सेट करवाना है यहाँ से, ये पब्लिक टारगेट हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देके रखा है एक टारगेट, उसे सेट करवाना है। तो उसे सेट हम किस तरीके से करवाएंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है न्यू एनिम डायमंड डॉट टारगेट यानी कि ये इज इक्वल टू एनिम डायमंड एंड जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफॉर्म ही डिक्लेयर किया था ताकि हम डायरेक्टली इसका यूज कर सके, तो ये यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। तो इसको अपना एंड पॉइंट मिल गया कि उसको जाना कहाँ है एंड पॉइंट पे, और वो हमने डिक्लेयर किया है यहाँ से। अब सिंपली हमें ये जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज करवाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैनल डायमंड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आई डॉट। अब यहाँ पे टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्टली इसको लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इल्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ 0.5f, आगे जीरो कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली होगा क्या, अब मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो 10, 9, 8, 7 उस तरीके से रिवर्स में ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे 30 लिखा हुआ है वो उल्टा चलेगा यहाँ से। तो ये विन पैनल को फिलहाल यहाँ से हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक एरर आने वाली है दोस्तों कि ये जो हम इसको इंस्टेंशिएट तो करवा रहे हैं लेकिन वो वहाँ जाके रुक जाएंगे, यहाँ पर जाके रुक जाएंगे। वो डिलीट भी तो हमें करवाने पड़ेंगे, डिस्ट्रॉय भी तो हमें करवाने पड़ेंगे, लेकिन वो सारे यहाँ से इंस्टेंशिएट होके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे स्टेक हो जाएंगे। तो फिलहाल कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देख लेते हैं। तो पहले इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं, और इसको प्ले ऑन मैक्सिमाइज मुझे करना था, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से करता हूँ। इसको मैंने प्ले ऑन मैक्सिमाइज कर दिया है। अब ये देखिए मैंने यहाँ से फायर किया तो विन पैनल हमारे सामने आ गई, ये देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, और यहाँ पर भी ये काउंटिंग बढ़ रही है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से एनिमेट होके डायमंड गए नहीं, ये एक एरर आ रही है। तो कंसोल में जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे एरर क्यों आ रही है।
चलिए एरर यहां पर भी नहीं है, तो हो क्या रहा है? अब इसको प्ले ऑन मैक्सिमाइज नहीं करते, यहां पर इसको ऐसे ही रहने देते। अब मैं इसको एक बार प्ले करता हूं, मैंने इसको फायर कर दिया। अब मैं इसको पॉज करता हूं, यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर ये डिक्लेयर हुए या नहीं। तो विन पैनल के अंदर तो हम आ गए हैं, विन पैनल के अंदर ये जो डायमंड इमेज है वो पेरेंट है और उसके अंदर ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक काम करते हैं, ये इसको हम फिर से एक बार बनाते हैं। देखिए गलती हर किसी से होती है, मुझसे भी हो गई है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये जो कैनवास है इसके अंदर हमें उसको बनाना पड़ेगा ताकि इसके साइज के मुताबिक वो हमें दिखाई दे। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से मैं एक UI इमेज ले लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ न्यू एनिम डायमंड, और इसकी स्प्राइट मैं यहाँ से चेंज करूँगा ये वाली, और इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ थोड़ा सा गोल्डन, और इसको मैं यहाँ से उठा के डाल देता हूँ प्रीफेब में। हाँ चलिए ये यहाँ पर आ गया है। अब इसके अंदर हमें स्क्रिप्ट ऐड करनी है, कौन सी वाली, एनिम डायमंड वाली स्क्रिप्ट हमने ऐड करनी है, कर दी। अब गेम मैनेजर के अंदर पहले तो UI के अंदर जाके इसको अब हम डिलीट कर सकते हैं, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब गेम मैनेजर में वापस चलते हैं और यहाँ पर इसको मैं चेंज करना है, ये जो एनिम डायमंड है उसको मैं चेंज करना है। तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया, अब मैं इसको यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मैंने फायर कर दिया विन पैनल और ये देखिए यहां से डायमंड आना शुरू हो गए हैं और इसका एनिमेशन जो है वो जैसा मुझे चाहिए था वैसा बिल्कुल वो जा नहीं रहा है, रुक रुक के जा रहा है। तो आप एनिमेशन इसका चेंज कर सकते हैं और ये देखिए यहां से डायमंड निकल के इसके अंदर जा भी रहे हैं। तो एक और काम बाकी है, ये जो विन पैनल है उसको आप यहां से एक्टिव कीजिए एक बार, और इसके अंदर ये जो इमेज है उसके अंदर हमें डायमंड सेट करवाना है यहाँ पर। तो इसकी स्प्राइट में ये डायमंड वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर जो है वो भी मैं गोल्डन कर देता हूँ। तो अब देखते हैं इसको ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। और इसकी साइज जो है वो यहाँ से मैं कर देता हूँ, मान लीजिए 50, अब ठीक है। तो एक बार मैं इसे वापस यहाँ पे सेव करके इसको प्ले करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और इसको एक बार फिर से प्ले करते हैं। ये देखिए ये मैंने सेट कर दिया और यहाँ से मैंने कर दिया फायर, यहाँ से डायमंड निकल रहे हैं और इसके अंदर जा रहे हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पर ये सारे के सारे डायमंड ऐसे ही रुके हुए होंगे, ये देखिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो गेम में लोड बढ़ जाएगा, तो ये जो डायमंड है उसको हमें डिलीट भी करवाना है, यानी कि डिस्ट्रॉय करवाना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर आपको आ जाना है और यहां पर आपको एक लाइन लिख देनी है अपडेट के अंदर। अब यहां पर हम एक कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस चेक करवाना है, किसका डिस्टेंस, ये जो गेम ऑब्जेक्ट है और उसका एंड पॉइंट है उसका डिस्टेंस। तो यहां पर हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, यानी कि खुद का पॉइंट और उसका एंड पॉइंट अगर वो छोटा है या फिर इक्वल है 0.00 0.1f, एक मिनट ये यहाँ पे इक्वल इस तरफ आएगा, हाँ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि एंड पॉइंट का और खुद का वो क्या होना चाहिए 0.01f से छोटा होना चाहिए या फिर उतना होना चाहिए, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए गेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रॉय और ब्रैकेट में कर देते गेम ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये टारगेट तक पहुँचेंगे तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसका एनिमेशन कुछ मुझे चेंज करवाना है। तो एनिमेशन चेंज करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे इजी इन में जाके यहाँ पे मैं कुछ इसका चेंज करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा
पहले तो मैं यहाँ पे इसको इजी सेट करता हूँ और उसके बाद मैं आउट, मतलब जहाँ पर वो पहुँच रहा है। चलिए एक बार इसे मैं प्ले करके देख लेता हूँ। ये एनिमेशन मैं अपने आप से सेट कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो एनिमेशन आप सेट कर सकते हो। तो एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काउंट भी होगा, यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग होगा, यहाँ पर प्लस काउंटिंग होगा, और यहाँ से ये डायमंड जो है वो जा भी रहे इसके अंदर। और इसकी स्पीड मुझे कुछ कम लग रही है, तो इसकी स्पीड हम थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। एक और चीज़ हो रही है, यहाँ से ये छोटा डायमंड है और यहाँ पे बड़ा डायमंड है, तो यहाँ से निकलते वक्त ये छोटा होना चाहिए और ऊपर जाते वक्त ये बड़ा हो जाना चाहिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट बटन है उसके ऊपर क्लिक करने पर नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए, और क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करने पर ये होम पेज पे आ जाना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें करना बाकी है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक गेम बनाने में कहीं पर भी अटक जाओ तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरी वीडियो में से सीखते बहुत कुछ है, सिर्फ एक लाइक नहीं करते हो, तो कृपया इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।